दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच टेस्टिंग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में अभी तक के सबसे ज्यादा 29,000 आरटीपीसीआर टेस्ट किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में करीब 5,500 नए मामले सामने आए हैं और 91 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में कोरोना मामलों की कुल संख्या 5.5 लाख के पार पहुँच गयी है। कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। सर्दियों के साथ ही कोरोना के कैलेंडर में महामारी के बड़े आंकड़े दर्ज होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने कहा कि हम कोरोना संकट को कम करने के लिए रात के कर्फ्यू जैसे विकल्प पर विचार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में डोर टू डोर कोरोना की चेकिंग भी चल रही है। राजधानी में 20 से 24 नवंबर के बीच घर घर जाकर 57 लाख लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें कुल 13,516 में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। देश में कल कोरोना के 44,489 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह कुल तादाद 92,66,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन में 524 और लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। देश भर में मौतों का आंकड़ा 1,35,223 हो गया है और फिलहाल देश में एक्टिव केस 4,52,000 से ज्यादा है। 86 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। पीएम मोदी की कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर डेवलपमेंट पर नजर है। कल पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाकर तैयारी का जायजा लेंगे। इसी इंस्टीट्यूट में वैक्सीन को तैयार करने की अंतिम तैयारी हो रही है। पीएम मोदी यहां आधे घंटे रुककर तैयारी के बारे में जानकारी लेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। चारा घोटाला मामले में रांची में सजा काट रहे लालू यादव को अगर कोर्ट से बेल मिल जाती है तो जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल लालू यादव को दुमका ट्रेजरी मामले में 7 साल की सजा हुई थी। देवघर ट्रेजरी केस और चाईबासा ट्रेजरी मामले में लालू यादव को बेल मिल चुकी है। लालू यादव की जेल से कथित फोन कॉल के मामले में पटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने केस दर्ज करवाया। इस विवाद के बीच लालू यादव को फिर से रिम्स के प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इससे पहले लालू यादव बंगले में रह रहे थे, लेकिन जेल मैनुअल के उल्लंघन का मामला गर्माने के बाद उन्हें रिम्स शिफ्ट किया गया। लालू पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का भी दावा है कि लालू यादव ने उनसे भी बात करने की कोशिश की थी, साथ ही उनके विधायकों को भी प्रलोभन दिया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निजी हमला करते हुए कहा कि ऐसा गृह मंत्री पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि एक गृह मंत्री को देश चलाना चाहिए, इसकी बजाय वो निकाय चुनाव को मैनेज करने में बिजी रहते हैं। इसके साथ ही ममता ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस बीच टीएमसी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की। बीएसपी सांसद अतुल राय को फौरी राहत मिली है। रेप का आरोप लगाने वाली युवती के खिलाफ वाराणसी के कैंट थाना में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर रेप पीड़िता समेत 2 लोगों पर केस दर्ज किया गया। सांसद अतुल राय के भाई ने रेप पीड़िता पर धोखाधड़ी और गलत जन प्रमाण पत्र पेश करके कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया था। सांसद अतुल राय के वकील अनुज यादव ने यहां तक आरोप लगाया कि अतुल राय को फंसाने के लिए विधायक मुख्तार अंसारी के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। अतुल राय मऊ की घोसी से बीएसपी के सांसद हैं।